सुप्रभात बच्चों, जैसा हमने पिछली कक्षा में पाठ कविता जो थी हमारी कक्कू, उसका हमने कविता पाठन किया था, आज मैं आपको इस कविता से संबंधित कठिन शब्द और उनके अर्थ के बारे में सिखाऊंगा। तो इसको सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कक्षा में जितनी भी चीजें आपको लिखवाई जा रही हैं, उन सबको आपको नोट्स बनाना है उनके, और उनको धीरे धीरे याद करते जाना है, और इसके बारे में आपको वाक्य बनाना भी सीखना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है भड़क जाना। बच्चों, क्या शब्द है? भड़क जाना। इसका क्या अर्थ होता है? गुस्सा होना। शब्द पहला क्या है? भड़क जाना। अर्थ क्या है? गुस्सा होना। अब जो शब्द है भड़क जाना, इसका मैं आपको एक वाक्य प्रयोग करके बताता हूं। हम बहुत सरल सरल वाक्य प्रयोग करेंगे जिससे आपको वाक्य प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे रमेश भड़क जाता है। क्या बोला बच्चों मैंने? रमेश भड़क जाता है। रमेश भड़क जाता है, इसका क्या अर्थ हुआ? कि रमेश को गुस्सा आता है या रमेश गुस्सा हो जाता है। इसी तरह हम जितने भी शब्द हैं उनको हम अर्थ जानेंगे और उनका हम वाक्य में प्रयोग सीखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा शब्द आता है ठिठोली। क्या है बच्चों? ठिठोली। इसका उच्चारण क्या होगा? ठिठोली। इसका क्या अर्थ होता है? मजाक। अर्थ क्या होता है? मजाक। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे बनाएंगे हम? मित्र हमेशा ठिठोली करते हैं। मित्र हमेशा ठिठोली करते हैं, यानी मित्र हमेशा मजाक करते हैं। तो आपको समझ में आ गया ठिठोली का क्या अर्थ होता है। हमारा अगला शब्द है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना का अर्थ है रूठ जाना। जैसे किसी मित्र को जब हम चढ़ाते हैं तो वो मुंह फुला लेता है, इसका क्या अर्थ होता है? कि वह रूठ गया। क्या अर्थ होता है बच्चों? रूठ जाना। इसी का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। राम मुंह फुलाता है। राम मुंह फुलाता है, यानी राम रूठ जाता है। ठीक बच्चों, अब हमारा अगला शब्द है झगड़ालू। क्या बोलेंगे हम इसको? झगड़ालू। इसका क्या अर्थ हुआ? झगड़ा करने वाला। ये एक स्वभाव होता है बच्चों, झगड़ालू। जैसे हम किसी को चढ़ाते हैं और वो हमसे झगड़ा करने लगे, हमसे लड़ने लगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? झगड़ालू, यानी झगड़ा करने वाला। इसका वाक्य प्रयोग रमेश झगड़ालू स्वभाव का है। रमेश झगड़ालू स्वभाव का है, यानी झगड़ा करने वाला है। अगला शब्द है दिन भर। दिन भर का क्या अर्थ होता है? सारा दिन। इसको हम लिखेंगे वाक्य प्रयोग में, वह दिन भर खेलता रहता है। वह दिन भर खेलता रहता है, यानी वह सारा दिन खेलता रहता है। अगला शब्द है हमारा तनिक। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा। तनिक का क्या अर्थ होता है? थोड़ा। जैसे इसका वाक्य हम प्रयोग बनाएंगे, मुझे तनिक नमक देना। मुझे तनिक नमक देना, यानी मुझे थोड़ा नमक देना। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सब कठिन शब्द आपने जाने, उनके वाक्य प्रयोग मैंने आपको बता दिए। अब आप इन शब्दों को अच्छे से देखेंगे, उनके वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। इसके बाद मैं आने वाले समय में आपको इस कविता के प्रश्न उत्तरी जो होंगे आपको मैं अभी सेंड कर दूंगा, और उनका एक छायाचित्र बना के मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूं, तो आप उसको देखना और अपने उसके नोट्स में उसको नोट कर लेना। धन्यवाद।